खजूरी बारापाल गांव के भावेश और दौलत गांव के अनपढ़ अनगढ़ माहौल में छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी को दिशाहीन कर रहे हैं। करने को कुछ नहीं और पढ़ाई लिखाई से दूर तक का नाता नहीं। खेलने के लिए इनके पास न तो मैदान है और न ही खेल का सामान। मनोरंजन के लिए केवल परंपरागत खेल है। भावेश के दादा जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी अपने इन पोतों को रोटियां बनाकर खिला रहे हैं। इन बच्चों के मां बाप ना होने से उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मेरा नाम धर्मो है और दो बच्चा है। एक बच्चा होता है इसने मर गयो और चार बच्चा है और ये पालना मुश्किल हो गया है। अब मेरे हाथी रोटी करनी पड़ती है, हाथी सब्जी करनी पड़ती है और आते पानी लावना पड़ता है। अने हिसाब मो अभी मुस्बित में हो गयो और अटे जमीन है तो एक हाक की है, दो ही हाक तो पाके है। हकीकत बात ये है और नहीं है अटे रोड, नहीं है स्कूल अटे। भावेश के दादा धर्मा जी अपने पोतों को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए इस अनपढ़ माहौल से निकालकर सेवा परमो धर्म में इन्हें भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहीं इन बच्चों की जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी और वे जिंदगी में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएंगे। अटे रहता कोई जिंदगी बनती नहीं तो वहाँ सोरा बराई गया तो जिंदगी बनी जाए। सोरा बढ़िया जिंदगी बनी की है और थोड़ी घनी जिंदगी और आगे बढ़ी जाए तो वहाँ धन्यवाद दे सहूँ। और अटे रहता कई बकरी सारता कटे गल्ली डंडका रमता कई करता और कई करता बट जंगल माँ से जंगल माँ से और कही। आज इंग्लिश स्कूल में भणी रही है तो इंग्लिश स्कूल आ रही है देख रही है बढ़िया साहब भणाई रही है तो वहाँ धन्यवाद यही देना सहूँ।